वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते फ्राइडे के दिन 1.20 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। तो लेटेस्ट आने वाले वीक में कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से देखने को मिल सकते हैं, कहाँ पे सपोर्ट एंड रीजनल फिर से ले सकता है जीटीएल इंफ्रा, वो भी देखेंगे और यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज को यही क्या खास देखेंगे। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया तो 1.25 फ्राइडे के दिन यहाँ पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। तकरीबन देखा जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी उसी के साथ क्लोजिंग दे चुका था। मार्केट कैप भी देख सकते हो 1.46,000 करोड़ की मार्केट कैप है जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर की। यानी कि कोई खास यहाँ पे वजह देखा जाए तो पिछले 5 दिनों की मूवमेंट तो 4% की गिरावट देखने को मिले लास्ट फ्राइडेज में जीटेल इंफ्रा। और लास्ट 1 मंथ की भी बात की जाए तो 1 मंथ में भी देख सकते हो तकरीबन 4% की गिरावट देखने को मिले। यानी कि कोई खास मोमेंट यहाँ पे देखने को स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिली। तो न्यूज़ की बात की जाए तो करंटली कोई खास यहाँ पे न्यूज़ नहीं दिखाई दे रही, वन यू कह यानी कोई खास न्यूज़ नहीं है जीटेल इंफ्रा के लिए। तो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे चार्ट पे नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते कि बहुत सी चौपी मूवमेंट देखने को मिले जीटेल इंफ्रा में। तो यहाँ पे देखा जाए तो मंथली प्यूट इस मंथ का यहाँ पे 1.25 पे पिछले 3 दिन यहाँ पे आप देख सकते रजिस्टर लिया पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट नहीं दे पाया था 1.25 लेवल को, जहाँ पे मंथली प्यूट है वो मंथली प्यूट को 1.25 लेवल को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग जब मिलेगी और ऊपर ओपन होता है तब ऊपर यूजली 1.40 टू 1.50 लेवल तक जाने के चांसेस ओपन हो सकते हैं जीटेल इंफ्रा के लिए। और गिरावट होते हुए यहाँ से तो 1 लेवल तक आ सकता है और भी नीचे। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट जीटीएल इंफ्रा स्टॉक के लिए।